नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें 2023 में सोमवती अमावस्या का व्रत कब रखनी है, तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अमावस्या सोमवती अमावस्या का व्रत हम क्यों रखते हैं, सोमवती अमावस्या में हम किस वृक्ष का पूजा करते हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हूँ। तो बता दूँ कि 2023 में सोमवती अमावस्या का व्रत हम 13 नवम्बर को रखेंगे। कितने लोग ये भी कन्फ्यूज है कि 13 को रखें या 14 को रखें, तो 13 नवंबर को रखेंगे। और कभी भी अमावस्या तिथि जब भी सोमवार के दिन पड़ता है तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। उस दिन हर सुहागिनी स्त्री अपने सुहाग में वृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। जैसे सोना धोबी पति के लिए ये व्रत की थी, सोमवती अमावस्या का व्रत पहले सोना धोबी ही की थी क्योंकि उसको। और बता दूं कि इस दिन हमें पीपल वृक्ष का पूजा करना चाहिए और उस दिन माता पार्वती और शिव जी का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और शिव जी के बिना तो कोई भी सुहाग का व्रत तो होता ही नहीं है, चाहे वो तीज हो, करवा चौथ हो, चाहे सोमवती अमावस्या हो। तो इस समय हम शिव जी और माता पार्वती का पूजा करते हैं। तो चलिए अब आगे बता देती हूँ कि तिथि कब से शुरू हो रही है। तो 12 नवंबर को 2:44 से शुरू होगा और 13 नवंबर को 2:56 तक ये तिथि रहेगा। तो इसी बीच में आप लोगों को पूजा पाठ जो भी करना है वो अपना कर लीजिएगा। अब बता देती हूँ कि अमावस्या तिथि के दिन हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो देखिए, पहले तो सुबह में आप उठ जाइएगा, थोड़ा जल्दी उठिएगा और अपने घर के कार्य से निमित्त हो जाइएगा। फिर स्नान करके फिर सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। कितना लोग बोलेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन हम बाल कैसे धोएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बाल धोना है तो सूर्योदय से पहले धो लीजिएगा, वरना मत धोइएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या के अमावस्या तिथि कोई भी पड़े, अमावस्या पूर्णमासी को हम बाल नहीं धोते हैं। तो इसलिए रविवार के सुबह में ही धो लीजिएगा सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय के बाद हम लोग अगला दिन मानते हैं। तो धो लीजिएगा वरना गंगाजल छिड़क लीजिएगा तो हो जाएगा। अब बता देते और क्या कीजिएगा कि सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, उसके बाद 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, अपने घर में पूजा कर लीजिएगा, फिर आप पीपल वृक्ष के पास में जाइएगा। तो जैसे हम वट सवित्र में वट वृक्ष का पूजा करते हैं, वैसा ही सोमवती अमावस्या में हम पीपल वृक्ष का पूजा करते हैं। तो बता दूं कि वहाँ पे कौन कौन से चीज़ लेकर के जानी चाहिए। तो पहला, वहाँ पे सोना धोबिन का चित्र बनाने के लिए हमें आटा और हल्दी का लेप बना करके लेकर के जाना चाहिए, दोनों को मिक्स करके थोड़ा गाढ़ा करके वो लेकर के जाना चाहिए। श्रृंगार का सामान लेकर जाना चाहिए, सिंदूरा लेकर के जाना चाहिए। तो और मोटे दानेदार कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, जैसे काजू, किशमिश, मूंगफली, पिस्ता, बादाम, ऐसे कोई मोटेदार दानेदार चीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि फेरी लगाने में सहूलियत होता है। और अगर कच्चा धागा मिल रहा है तो कच्चा धागा से लगा लीजिए, मोली से लगा लीजिए, नहीं तो गिट्टी ले लीजिएगा, रील जो आप लोग समझें तो वही रील ले लीजिएगा। और हाँ, अगर कच्चा धागा से लगाएंगे तब तो नहीं घटेगा, लेकिन मोली से लगाएंगे तो वो तो मोटा होता है, वो तो घट जाएगा। तो आप लोग वहाँ से गिट्टी लेकर के घूमना शुरू कर दीजिएगा और हाँ, वहीं लपेट दीजिएगा, गांठ मत लगाइएगा क्योंकि गांठ नहीं लगाया जाता है, वहीं पे लपेट दीजिएगा, लपेट के फिर घूमते रहिएगा। और एक काम और कीजिएगा कि जो भी 108 दाने लेकर के गई हैं तो उसको एक कटोरी रख दीजिएगा पीपल के पास में। अब पहले वहाँ पे सोना धोबिन का फिगर बना दीजिएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष जेंट्स होता है और जेंट्स में सिंदूर लगा करके हम अपने मांग में नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे सोना धोबिन का चित्र बना लीजिएगा उसी आइपन से, और उसी सोना धोबिन के मांग में लगा करके फिर अपने मांग में भर लीजिएगा। और सिंदूरा से मत भरिएगा, सिंदूरा लेकर के जाइएगा अपने मांग में, घर में सिंदूरा से सिंदूर भर लीजिएगा, लेकिन सोना धोबिन के मांग में सिंदूरा से सिंदूर मत लगाइएगा। एक अलग से अपना सिंदूर का डब्बा ले लीजिएगा, उसी से आप फेरी लगाइएगा और सोना धोबिन के मांग में लगा कर फिर अपने मांग में भर लीजिएगा। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया।
और एक कटोरी वहीं पे रख दीजिएगा, और जितना बार फेरी लगाइएगा एक मूंगफली काजू किशमिश जो भी आप लेकर के गए हैं एक दाना उसमें डाल दीजिएगा, वहाँ पे सिंदूर लगा दीजिएगा और फिर अपने मांग में लगा के फिर अपना फेरी लगा लीजिएगा। जब 108 बार हो जाए तो वहाँ दंडवत प्रणाम कर लीजिएगा, अपने सुहाग के लिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा और उसको उठा करके और पंडित जी को दे दीजिएगा। अगर पंडित जी ना मिले तो आपके घर में कन्या है तो कन्या को दे दीजिएगा, अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उसको दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन सुहाग की चीज़ चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो अगर आप लोगों के पास में उतना भगवान दिए हैं और सुहाग के लिए किसके पास नहीं होगा, हर किसी के पास होगा, तो चढ़ाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, हर किसी को सुहाग का चीज़ चढ़ाना चाहिए, तो हर चीज़ आप दो दो चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन अगर कोई व्रत नहीं रख रहा है, कोई भी अमावस्या तिथि हो, उस दिन अगर हम आटे का दान करते हैं तो हमें अगले जन्म में सिंदूर के रूप में मिलता है, तो इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन हमें सुहाग की चीज़ों का दान करना चाहिए। तो हर एक चीज़ दो दो चढ़ा लीजिएगा और एक अपने लिए रख लीजिएगा, एक पंडित जी को दान कर दीजिएगा, उससे सुहाग के चीज़ दान करने से सुहाग में वृद्धि होता है। तो चलिए ये भी हो गया, अब अगला बता देती हूँ कि हमें और क्या करना चाहिए। तो आप लोग वहाँ से प्रणाम करके अपने घर में आ जाइएगा, अपने बड़े बुजुर्ग को जो भी घर में है उसे आशीर्वाद ले लीजिएगा, अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा, फिर पति को प्रणाम कर लीजिएगा, फिर प्रणाम करके फिर अपना कुछ फल फलहारी कीजिएगा। तो देखिए, व्रत ये लोग दो प्रकार से रखते हैं, कितने लोग फलहारी रखते हैं और कितने लोग व्रत करने के बाद खाना खा लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई खा रहा है तो उस दिन नमक मत खाइएगा, खीर पूरी अगर बर्ती का नमक सेंधा नमक तो खा सकते हैं, लेकिन ये वाला नमक लहसुन प्याज मत खाइएगा। और सुहाग के लिए एक दिन नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, तो आप एक काम कीजिएगा कि उस दिन फलहारी ही कर लीजिएगा, साबूदाना बना के खा लीजिए, रामदाना खा लीजिए, जो भी मौसमी फल मिल रहा है वो फल खा करके एक दिन की तो बात है आप रह लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया, अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि उस डिब्बी में जो भी सिंदूर बचा होगा, तो अगर आप लोग सिंदूरा ले करके गई हैं तो वहीं पर भर दीजिएगा, अगर सिंदूरा नहीं ले करके गई है, घर में सिंदूरा है तो घर में ला करके उस सिंदूर को सिंदूरा में भर दीजिएगा, क्योंकि उससे उसको भरने से हमें सुहाग में वृद्धि होता है, तो इसलिए हमें वो सिंदूर सिंदूरा में भर देना चाहिए, किसी को मत दीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि उस दिन हमें क्या चीज़ का परहेज करना चाहिए, तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें रुई के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, और मूली और बैगन का परहेज करना चाहिए, एक दिन पहले से ही कर दीजिएगा, रविवार 12 नवंबर से ही कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब नहीं ना तो खाते हैं और ना ही छूते हैं, सोमवती अमावस्या को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बैरी है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।